एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, जब भी हमारी आस्था में ठेस पहुंचाने के लिए राहुल गांधी और उनके गुरु दिग्विजय सिंह को मौका मिलेगा, वो पीछे नहीं रहेंगे। हर जगह राहुल और उनके नेता हिंदुओं की आस्था में ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस नेताओं पर हमला बोला और गाजियाबाद मामले में राहुल गांधी के ट्वीट पर कहा, जहां भी हमारी आस्था में ठेस पहुंचाने के लिए राहुल और उनके गुरु दिग्विजय सिंह को मौका मिलेगा, वो पीछे नहीं रहेंगे। हर जगह राहुल और उनके नेता हिंदुओं की आस्था में ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। कांग्रेस की ओर से राम जन्मभूमि के चंदे पर उठ रहे सवाल पर उन्होंने कहा, जिस विषय पर श्री राम जन्मभूमि न्यास का बयान आ गया है, उस विषय पर सवाल उठाते हैं। क्या कांग्रेस ने सोच ही रखा है कि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना है? जहां भी हमारी आस्थाओं पर कुठाराघात का अवसर राहुल गांधी को मिलेगा या उनकी टीम को मिलेगा, उनके गुरु दिग्विजय सिंह को मिलेगा, वो छोड़ेंगे नहीं। चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे राम की बात हो, चाहे कुंभ के स्नान की बात हो, आप देखिए आस्था के हर केंद्र पर हमला करने की ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना कोशिश करते हैं। उनके राज्यों में तो होगी नहीं महामारी, ऐसे ही कोरोना पे उठाते थे वो, छत्तीसगढ़ और राजस्थान महाराष्ट्र का नहीं बोलते थे जहां से कोरोना आया था, लेकिन मध्य प्रदेश का बोलते थे, भाजपा का बोलते थे। ये पूर्वाग्रह से पीड़ित लोग हैं, बंद कमरे में ट्वीट की राजनीति, ट्विटर की पेपर की राजनीति करते हैं। आपने कहीं कांग्रेस को देखा क्या किसी आपत्ति की घड़ी में, विपत्ति की घड़ी में? पूरे कोरोना काल में घर पे रहे हो, मुझे तो लगता है तीसरी लहर से आशंकित होकर के राहुल गांधी घर पर ही होंगे। कितने भी कर लें ये कोशिश, कांग्रेस को अब अल्पसंख्यक वोट नहीं देने वाला यूपी में। मिश्रा ने कहा, कोरोना के क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है, लगभग रसातल की ओर जा रहा है। आज 160 प्रकरण आए हैं, ठीक होकर जाने वाले 463 हैं। संक्रमण की दर आधा फीसदी से भी नीचे जा चुकी है। 22 जिलों में कल कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। जैसे जैसे परिस्थितियों में सुधार आता जा रहा है, वैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है। लगभग रसातल की ओर जाता कोरोना है। कुल मध्य प्रदेश में आज 160 प्रकरण नए आए पूरे प्रदेश में, जबकि जो टेस्ट हुए हमारे 72,087 टेस्ट हुए। ठीक होकर जाने वाले घर पर 463 हैं। कुल 3,273 प्रकरण अब नए बचे हैं। संक्रमण की दर अब आधा प्रतिशत से भी नीचे आ गई है, -2.2 संक्रमण दर है। वहीं ठीक होने की दर हमारी 98.4 है। जैसे जैसे परिस्थिति में सुधार आता जा रहा है, वैसे वैसे अनलॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ाते जा रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।